सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V23 Pro डिवाइस के अंदर आप अपने जो है फोन डायलर को चेंज करके iOS डायलर आप लगा सकते हैं। iOS का फोन डायलर जो है काफी देखने में इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप लगाते हैं, और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होगा। आप इसमें कलर आईडीज, फोटोज जैसे ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर पाएंगे जो इस iOS डायलर में आप करेंगे। तो चलो हम डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमें iOS डायलर को लगाना है अपने Vivo के V23 Pro डिवाइस के अंदर। गाइस, फोन में iOS फोन डायलर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना होगा आईकॉल स्क्रीन iOS फोन डायलर। आप इसको हमारे लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। एक बार इसको ओपन पे हम क्लिक करेंगे। इसका यूज इंटरफेस काफी इजी टू यूज है, कोई भी इसे आसानी से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। इस एरो को हम प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, लेट्स डू इट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेट डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जहां पर जो हमने डायलर डाउनलोड करा है आई कॉल स्क्रीन, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेट एज अ डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे और ये डायलर हमारा डिफॉल्टली सेट हो जाएगा। एरो को प्रेस करते हुए हम इस डायलर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर वो सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको एक नॉर्मल डायलर में मिलता था पहले बाय डिफॉल्ट, वो आपको iOS के डायलर में भी देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहें तो इसका प्रीमियम ले सकते हो। प्रीमियम में आपको बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अनब्लॉक, इवन गाइस आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलती हो प्रीमियम वर्जन के अंदर। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ जनरल वाले सेटिंग्स पे क्लिक करके आप इसके अंदर कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेयरिंग जैसे ऑप्शंस का वीडियो कॉल भी आप यूज कर सकते हो। नो इस पे क्लिक करके सिम वन पे, सिम टू पे जो भी आप वॉइस मेल, फिक्स्ड डायलिंग नंबर्स, वाईफाई सेटिंग्स एंड वीडियो कॉल्स वगैरह आप एक्सेस कर पाएंगे। इसको बैक करेंगे, यहाँ पर आपको स्पीड डायल सेटिंग से एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाता है इसके अंदर देखने को, जिसमें स्पीड डायल ये होता है कि आप किसी पर्सन का नंबर आप यहाँ पर सेट करते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक आपको ऑप्शंस मिलते हैं। उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है, उसको हम स्पीड डायल सेटिंग्स बोलते हैं जो आपको इस डायलर के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती बिकॉज इसके अंदर आपको मिल जाती है। हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है जो हमें मोस्टली इस्तेमाल करना चाहिए और हम इसको फोन डायलर में एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉल ब्लॉकर और यहाँ पर चेंज रिंग टोन वगैरह, क्विक रिस्पॉन्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हम जो 2 चीजें यूज करेंगे डायलर के साथ वो है चेंज कॉल बटन स्टाइल और दूसरा है चेंज वॉलपेपर। पहले कॉल बटन पर जाएंगे, इसको परमिशन देंगे यहाँ से, और हमारे पास जो भी आप यहाँ पर कॉल एंड और रिसीव्ड और डिसलाइन करने का जो भी बटन आप सेट करना चाहें, इसमें बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। जो भी आपको बटन्स पसंद आता है उसको प्रेस करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड एरो को प्रेस कर देंगे तो ये बटन्स आपको कलर आईडीज पे आपको देखने को मिलेगा। इसको सेट हमने कर दिया, सेट हो चुका है। अब हम कलर आईडीज में जिस तरह से हम इमेज भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके लिए बैक करेंगे, चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करना है। कुछ ऐसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से वॉलपेपर मिल जाएंगे, अदरवाइज चूज फ्रॉम गैलरी करेंगे और यहाँ गैलरी से अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहे तो प्रेस करिए, ये इमेज आ जाएगी। क्रॉप टूल की मदद से क्रॉप कर लीजिए, इसके बाद ऐड सारी कट करिए, एरो को प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। आप इस इमेज को ब्लर मोड में भी सेट कर सकते हो, इस तरीके से ब्लर में दिखाई देगा, एरो को प्रेस कर देंगे तो ये भी आपके डायलर पे सेट हो जाएगा। अब इसको हम बैक करेंगे, अब इसके डायलर को हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। डायल पैड पर चलेंगे, 198 हम यहाँ पर एक कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर जो आपको डायलर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से iOS का डायलर आपको देखने को मिलेगा और कम्प्लीटली ये वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकमिंग कॉल्स की अगर हम बात करें तो मैंने बटन्स वगैरह को चेंज करा है, तो मेरे पास यहाँ पर एक नंबर डाल करके मैं इस पर कॉल कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने एक्चुअल में सेट करा है वही बटन्स मिल रही है। कलर आईडी फोटोज के अंदर जो हमने फोटोज लगाया हुआ है बैकग्राउंड में, वो फोटोज भी हमें देखने को मिलती है और ये प्रॉपरली काम करती है। कॉल को रिसीव एंड डिसलाइन यहाँ से कर सकते हैं आसानी के साथ। सो आई होप कि आप समझे होंगे कैसे आपको iOS फोन डायलर लगाना है अपने Vivo के V23 Pro डिवाइस के अंदर। एंड गाइस, कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।